लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार के किसानों ने। इन्होंने पुरानी पद्धति से हटकर कृषि में नवीनतम तकनीक जीरो टिलेज से गेहूं की खेती कर कृषि में लागत को न सिर्फ कम किया है बल्कि देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। जमीन ज़्यादा ऊंचा है और ये ज़्यादा लो लैंड में है, तो यहाँ बुआई समय पर जुताई करने के बाद करने के लिए लेट ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए हम जीरो टिलेज से समय पर बुआई करना चाहते हैं तो जीरो टिलेज मशीन से बुआई कर लें। इसमें जुताई हमको जुताई का खर्च भी बच जाता है, उपज भी इसमें अच्छा मिलता है, इसलिए कि थोड़ा सा गहराई में 1 इंच या 2 इंच ज़्यादा गहराई में DAP का दाना रहता है और इसके ऊपर बीज का दाना होता है, तो बीज जैसे ही पौधा का आकार लेता है, पोषक तत्व लेने की अवस्था में आता है, तो उसको सीधा रूट जोन में पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाता है। इस मशीन के द्वारा DAP और बीज ये हम एक साथ डालते हैं और पोटास जो बेसल डोज है बुआई की अवस्था में देते हैं, पोटास और यूरिया इसको हम लोग मिला के ऐसे ही खेत में छींट दे रहे हैं। बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा इसमें अच्छा खासा मतलब योगदान हमें मिला है। इस जीरो टिलर से सर 3 फायदा हमको यही लगता है, एक तो खेत के जुताई का सारा खर्चा बच रहा है, दूसरा सिंचाई में पैसा बच रहा है, और तीसरा खेत में कोई किसी प्रकार का जंगल माने होता भी है तो बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है। जीरो टिल से ड्रिल जिसमें उर्वरक और बीज एक साथ प्रयोग किए जाते हैं के द्वारा गेहूं की बुआई पंक्ति में की जा सकती है। जीरो टिलेज तकनीक अपनाने से न केवल बुआई के समय में बचत होती है बल्कि उत्पादकता का उच्च स्तर बरकरार रखते हुए खेत की तैयारी पर आने वाली लागत भी बचाई जा सकती है। जीरो टिलेज मशीन से 5 से 6 लीटर डीजल में 1 हेक्टेयर खेत की बुआई की जा सकती है, जबकि ट्रैक्टर से प्रति हेक्टेयर खेत तैयार करने में 50 से 60 लीटर डीजल लगता है। अगात बुआई होने के कारण 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बचत होती है। चूंकि जीरो टिलेज सीड ड्रिल द्वारा दानेदार उर्वरकों यानी DAP को समुचित गहराई पर पौधों के जड़ के समीप डाला जाता है, इससे पौधे खाद का अधिक उपयोग करते हैं और उर्वरकों की क्षमता बढ़ जाती है। इस यंत्र के प्रयोग से बोए गए गेहूं के बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर होती है और बीज के ऊपर हल्की मिट्टी की परत पड़ती है जिसके कारण बीज का जमाव और कल्ले का फुटाव अच्छा होता है। परंपरागत विधि की अपेक्षा जीरो टिलेज प्रणाली में बीज का अंकुरण 2 से 3 दिन पहले होता है। गेहूं की पहली सिंचाई में करीब 40 से 50% सिंचाई जल की बचत होती है। पौधे पीले नहीं पड़ते और फसल पर कुप्रभाव भी नहीं पड़ता। मिट्टी में फसल अवशेष के रहने से कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जीरो टिलेज तकनीक के उपयोग से खरपतवारों का प्रकोप भी काफी कम हो जाता है। साथ ही इस प्रणाली में डीजल और कृषि रसायनों के प्रयोग में कमी होती है, जिससे प्रदूषण कम होता है। और जहां तक कि गेहूं की उपज का सवाल है, तो जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की खेती करने पर असिंचित अवस्था में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सिंचित अवस्था में 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।